वेलकम माय चैनल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी की बहुत ही खास बहुत ही धाकड़ फिल्मों के बारे में। जैसे पहली फिल्म है डांस डांस, यह फिल्म 1987 में आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सिमता पाटिल भी थी, हीरोइन में मंदाकिनी, अमरीश पुरी खलनायक, शक्ति कपूर खलनायक थे। यह फिल्म डिस्को डांसर के बाद आई थी। यह फिल्म बहुत ही अच्छी थी इसलिए फिल्म यह हिट हुई थी। उसके बाद आई मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म गरीबों का दाता। यह फिल्म 1989 में आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ थी उनकी हीरोइन के रूप में भानुप्रिया। भानुप्रिया उसे बहुत ही चर्चा में थी। खलनायक के रूप में थे प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा उस समय के बहुत ही खतरनाक खलनायक थे। ये फिल्म एवरेज थी। उसके बाद आई फिल्म हमसे है जमाना 1983 में। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, हीरोइन में जिया तमान और खलनायक में डैनी, अमजद खान आदि थे। यह फिल्म एक एवरेज फिल्म थी। यह फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्शन मारपीट था जिससे कि नाम से ही लगता है। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की एक बहुत ही शानदार मूवी आई। यह फिल्म हिट हुई थी 1984 में। यह फिल्म आई थी वांटेड। इस फिल्म मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ उनकी हीरोइन थी टीना मुनीम। हीरोइन टीना मुनीम, हीरो मिथुन चक्रवर्ती, ओम शिवपुरी खलनायक, असरानी कॉमेडी में और खलनायक में एक और आदमी थे शक्ति कपूर और एक और थे शम्मी कपूर। यह फिल्म हिट हुई थी। उसके बाद दोस्तों आई थी एक फिल्म फरेब। यह फिल्म 1983 में आई थी। यह एक एक्शन फिल्म थी, लव स्टोरी भी था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीत कौर थे। यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। यह फिल्म एक अच्छी फिल्म थी लेकिन शुरुआती फिल्म मिथुन जी की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिथुन जी की फिल्म देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। उसके बाद बागसर 1984 में। इसे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, डैनी खलनायक, तनुजा थे। यह फिर हिट फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिथुन दादा की बहुत ही हिट और बहुत ही अच्छी मूवी थी बॉक्सर। मुझे देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।